गोपाल दास जी के सभी भजन एवं कथा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। भगवान शंकर जी बोले, भगवान शंकर जी ने कहा, मेरा दिया हुआ पिनाक नाम का धनुष 30 पीढ़ी पूर्वजों से पूजता चला आ रहा राजा जनक जी के यहां। इस परिवार में जो कोई गद्दीधर होता है, जो कोई राजा बनता है, वो पहले धनुष की पूजा करता है सुबह, बाद में अन्य कार्य में लगता है। अब इस समय जनक राजा है, नौकर लोग रोज बढ़िया धनुष के पास लिपाई पोताई करते थे, पूजा सामग्री जुटाते थे, जनक जी समय से आके अपना पूजा करते थे। एक दिन का जिक्र है मेरे भाई बहनों, नौकर लोग लापरवाही कर गए, धनुष के पास लिपाई नहीं किया। सीता जी ने देखा समय हो गया पिताजी के आने का, समय हो गया आने का, पूजा करने का, कब लिपाई होगी, कब स्थान सूखेगा, तब तक पिता भूख से परेशान हो जाएंगे। इले सीता जी नौकरों का सहारा न लेकर अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाएं हाथ से लिपाई करके रख दिया। जनक जी आए, जब पूजा किया, पूछा बेटी आज किसने लिपाई किया है, क्यों पिताजी कोई गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं हुई, आज धनुष हटा के किसी ने लिप के रखा है, पिताजी आज मैंने लिपाई करी है। तब जनक जी ने कहा, अरे इतना वजन, इतना गरु पुराना धनुष मेरी बिटिया उठा के जब दूसरे स्थान पर रखती है, तो इसके लिए योग्य पति वही होगा जो धनुष को तोड़ सकेगा। तब उन्होंने प्रण किया, जो कोई धनुष को तोड़ेगा सो मेरी बिटिया सीता से रिश्ता जोड़ेगा। कुछ विद्वानों का, संतों का मानना है, आइए कुछ संतों का मानना है, सीता जी सहेलियों के साथ में जा रही थी और सीता जी की साटिका में, चुनरी में धनुष की नोक फंस गई, धनुष लुढ़कने लगा, चक्कर काटने लगा, तब सहेलियों ने छुड़ा करके रखा, तब जनक जी ने प्रण किया है। आज उस प्रण को पूरा करने के लिए देश देशांतर के राजा महाराजा लोग आए हुए हैं। रावण पान महाभट भारे, रावण पान महाभट भारे, देखे सरासन गवही सिधारे, रावण पान महाभट भारे, देखे सरासन रावण बाण महाभट भारे, देख शरासन गवन सिधारे। लंका का राजा रावण, गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार राजा जनक जी के यहाँ सीता स्वयंवर में हाथ नहीं लगाया है। अन्य विद्वानों का लेख, अन्य विद्वानों का लेख आप लोग पढ़ा होगा। ये हमारे परम स्नेही भाई श्री अटल शुक्ला जी के करकमलों से, देवरी हरदोई से, बहुत बढ़िया मेरे स्वागत सम्मान में माल्य अर्पण हुआ है, ठाकुर जी की सेवा में सादर दान भेंट है। और हमारे परम स्नेही आदरणीय श्री शिवलाल मौर्या नेताजी के करकमलों से, देवरी हरदोई से, मेरे स्वागत सम्मान में बहुत बढ़िया माल्य भेंट है। भैया के गाढ़ी कमाई का हिस्सा परमात्मा की सेवा में सादर भेंट है। परमात्मा सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो, प्रभु से प्रार्थना कामना पूर्ण हो। रावण बाण महाभट भारे, देख शरासन गवहीं सिधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार लंका का राजा रावण जनकपुर में सीता स्वयंवर में हाथ, सीता स्वयंवर में धनुष में हाथ नहीं लगाया। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महा
सरा संग महिष धारे रावण बाण महाभट भारे देख सरा संग महिष धारे रावण बाण महाभट भारे देख सरा संग महिष धारे लंका का राजा रावण जनकपुर में आया तो था लेकिन धनुष में हाथ नहीं लगाया देख सरासन गवें सिधारे क्यों नहीं हाथ लगाया रावण अति विद्वान कहाई धनुष समीप गयो नियराई जब धनुष के पास में गया तो देखा धनुष पर तीन महावाक्य लिखे हैं तीन शब्द लिखे पहला जो कोई धनुष को तोड़ेगा सो राज त्याग करके जंगल में विचरण करेगा दूसरे में उसकी भार्या का हरण होगा तीसरे में उसके पिता का मरण होगा तो रावण विचार करने लगा जिस सीता के लिए मैं धनुष को तोड़ूं सोने की लंका छोड़ूं पिता का मरण देखूं वैसे पिता का मरण लड़का के लिए बड़ा दुखद होता है कितनों जर्जर शरीर का बाप क्यों न हो द्वारे पड़े पड़े केवल खस्ते ही खखारत का है न हो कहा गया है किसी वीर कवि ने अपनी शैली में कहा है कि कहीं के मरी बे गोदियारे छोटाए कहीं के मरे वो जुगरुआ कहीं के मरे वे गुदिया रे छूटे कहीं के के मरे बे बाह टूट गए और कहीं के मरे देश छूट गया भैया के मरी बे भुजा टूट गई अब नाम रहे देश छूट जा विचार करने लगा जिस सीता के लिए मैं धनुष को तोड़ू रिश्ता जोड़ू सोने की लंका छोड़ू पिता का मरण देखूं उसका मेरे पास से हरण हो जाएगा तो हमको धनुष तोड़ने से क्या लाभ मिलेगा कोई धनुष को तोड़ेगा सीता से रिश्ता जोड़ेगा जंगल में विचरण करेगा रात त्याग करके उसके पिता का मरण होगा और भार्या का उसके पास से हरण होने ही होना है तो मैं हरण वाली नीति से सीता को क्यों ना अपना लूं सोचत रावण मन मुंजाई सोचत रावण मन मुंजाई हम सीता कहां ले चुराई हम सीता कहां चुराई हम सीता रावण मन मुंजाई
अंत में स्वामी जी को कहना पड़ा, भूप साहस दसे कहीं माया, भूप साहस दसे कहीं मारा, लगे उठावन डरही न तारा, भूप साहस दसे कहीं मारा, लगे उठावन डरही न तारा, भूप साहस दसे कहीं मारा, उपमा ढूंढना शुरू किया गोस्वामी बाबा। संसार की सारी उपमाएं फीकी पड़ गई। हमारी माँ बहन बिटिया लोगों में से एक को चुना, धनुष कैसे नहीं हिल रहा है। डगई न शंभु सरासन कैसे, शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सते मन कैसे, चौपाई का अर्थ बड़े बड़े वक्ता विद्वान महापुरुष लोग अच्छी अच्छी मंचों पर से किया करते हैं। भूप माने राजा, साहस माने हजार, दस हजार राजा लोग, एक ही बारह, लगे उठावन तरय नटारा, डगय न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भूप माने राजा, सास माने हजार, यानी दस हजार राजा लोग एक ही बारह। जरा सोचिए मेरे बोलने का मकसद किसी वक्ता विद्वान महापुरुष लेखक कवि के मत को खंडित करना नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दस हजार लोगों को रोकने के लिए एक बहुत बड़े ग्राउंड मैदान फील्ड की जरूरत है कि नहीं। आखिर कितना भारी धनुष था कि मैं देखो ना, और यह अचरज की बात है जो सब गए समान, का राजा महाराजा मच्छर भून गए के बराबर रहे जो दस हजार घुस मुड़ गए जाए। चलो मैं मानता हूँ लग गए होंगे। जनक जी का प्रण है जो कोई धनुष को तोड़ेगा सो मेरी बिटिया से विवाह करेगा। जैसे दस हजार मिलके साझेम दादा तोरी उड़ते नेता भैया, तो विवाह कई के साथ होता, सीता जी तो अकेली हैं, चाहे मैं कई के साथ होती। तब कहते आपस में लोग लड़ते और जो कोई अकेला जिंदा रहता है सही विवाह करता। क्या अर्थ कर दो, तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे राजा जनक जी सीता का स्वयंवर विवाह कर रहे हैं कि नरसंहार करवा रहे, महाभारत करवा रहे, ये अर्थ थोड़े न होगा। रामायण में जहाँ कहीं गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया है वहां समझो कोई विशेष रहस्य छुपा हुआ है। एक बार त्रेता युग माही शंभ गए कुम्भज रिसिपाही, एक बार तेतर प्रभु गए उतर बिलोक मनेत सुख भयउ, एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही, एक बार जननी नबाई कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा, एक बार चुन कुसुम सुहाये निज कर भूषण राम बनाए, ऐसे भूप साहस दसए कहीं बारा, भूप साहस दसए कहीं बारा,
लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। एक बार कौन है, बिल्कुल थोड़े शब्दों को लेकर याद दिला दूं, ज्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे। एक बार वो है, लंका का राजा रावण भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए साधना किया, तपस्या किया। भोले बाबा खुश हुए, रावण से कहा बेटा जो इच्छा हो सो मांग लो। रावण कहने लगा बाबा हमारी इच्छा एक ही है, हमको लंका से आप तक पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आना पड़ता है, और आप जो अगर कृपा करें तो लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, 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 लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा। भोले के करे वापे नगवा बिराजे, भोले के करे वापे नगवा बिराजे, भोले के करे बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, 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 लंका नगरी चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा। भोले के संगवा में नंदी विराजे, भोले के संगवा में चढ़ गई चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरे चले चलो सो, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, लंका नगरी हमरी चले चलो सो भोले बाबा, चलो सो भोले बाबा, चले चलो सो भोले बाबा, चले चलो सो भोले बाबा, चले चलो सो भोले बाबा, भगवान शंकर जी का बेटा तुम्हारी लंका को हम चलेंगे, एक काम तुमको करना होगा, मेरा ये पिनाक नाम का धनुष लेकर के चलना है, लंका से पहले रास्ते में जहां कहीं रख दोगे उसके अगारी फिर हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। रावण का ठीक है बाबा लाओ, लेकर के धनुष आगे आगे चल दिया। भगवान शंकर अपना धीरे धीरे टिक 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 नंदी सुर के साथ चले जा रहे हैं। इधर देवताओं ने देखा भगवान शंकर जी को लंका जाते हुए, प्रार्थना किया भगवान से, कहा आप क्या होगा बाबा, जब लंका में रहने लगेंगे फिर रावण के अत्याचार कौन रोकेगा। प्रार्थना किया भगवान बोले चिंता न करो, धैर्य धारण करो, हम शंकर जी को लंका से पहले रोक लेंगे, पहले रोक लेंगे। माया अपनी भेद दिया रावण को, लगा हमको लघुशंका करनी है, शर्त ये धनुष रखा नहीं जाएगा कहीं,
बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आ गए। रावण प्रणाम किया, बोला पंडित जी धनुष रोक लो, बेटा हमको बहुत दूर जाना, मेरे पास समय नहीं है आपकी सेवा करूं। महाराज थोड़ी देर के लिए ले लो, फिर मैं बिहार आऊं। ठीक है जल्दी आ जाना। धनुष लेकर के भगवान खड़े हुए बूढ़े ब्राह्मण के भेष में, रावण लंका के लिए बैठा। काफी समय हो गया, काफी समय हो गया, उनको लंका नहीं रुक रही। भगवान बोले आओ बेटा जल्दी हमको जाना, दूर जाना, कहीं चोर चाटा मिल गए तब वो दिक्कत, रात में रतंधियों की शिकायत। बस बस महाराज भय आओ तो भय आए, काफी देर हो गई, रावण की शंका का समाधान ही नहीं हो रहा। यहो धनुष रखा, रख दिया धनुष, थोड़ी दूर जाके भगवान अंतरिक्ष चले जाते हैं। इधर रावण को शंका ही तो थी, तुरंत आया धनुष उठाने लगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ पीछे आ रहे हैं और वो जुगर देख गए धनुष रखा, फिर अगारी जी ही ना उनके आने से पहले मैं उठा लूं। उठाने लगा रावण, पसीना पसीना हो गया भाइयों, धनुष हिले ही नहीं रहा। तब तक इसी रास्ते से राजा सहस्त्रबाहु निकल रहा था, कहिए लंकाधिराज क्या हुआ आज बड़ा पसीना पसीना नजर आ रहे हो। भाई साहब क्या बताऊं, ये धनुष लिए जा रहा था, कोई विशेष वजन नहीं था और जब से रख दिया गया तब से हिल ही नहीं रहा। रावण का बात, ओ सहस्त्रबाहु बोला वाह खाई खाई सब नसियाए डर के, धनुष नहीं उठाए पा तो कौन तीर चले, ओटो हम उठाऊ। रावण कहना चाहा का तुम्हारी अम्मा, हमारी अम्मा से ज्यादा दूध पिया हो का? याद रखना बच्चा बच्ची के लिए माँ का दूध बहुत गुणकारी होता है। जितना ज्यादा दिन तक बच्चा माँ के स्तन से पेय पान करता है उतने बढ़िया होता है। लेकिन अब तो माँ एक दिन स्तन से पेय पान कराना बच्चे के लिए अच्छा नहीं समझती है, तुरंत पैकेट वाला तुरंत शीशी लग जाती है। तभी तो कोई बात होती है, लोग कहते हैं माँ का दूध पियो हो तो ऐसा करो। अब धीरे धीरे ये कहना लोग बंद कर देंगे, माँ का दूध पिए हो तो ऐसा करो ये कहना बंद कर देंगे। अब कहना शुरू करेंगे पैकेट वाला पिए हो पराग वाला, तब आ जाओ तब आ जाओ तब आ जाओ। रावण कहने लगा भाई हो सकता तुम सहताए हुए हो, तुम्हें उठाएगा। सहस्त्रबाहु जब उठाने लगा तब होना ही, तब फिर ये दोनों मूड़ बांध के एक ही साथ में भूप सांस दस एक ही बारह लगे उठावन तरे नटारा। भूप माने राजा, सास माने सहस्त्रबाहु और दस यानी लंका का राजा रावण और सहस्त्रबाहु एक ही बारह और लगे उठावन तरे नटारा। तब तक भोले बाबा आ गए, बोले बच्चा तुम जाओ अपनी लंका, हमका कैलाश पर्वत पर ठीक उस धनुष को मेरे भाई 5000 वीर धनु खेले, 5000 वीर धनु खेले, मख मंडप तर कियो सकेले, मख मंडप तर कियो सकेले, हरा धनुष लोहे की पेटी लियो उठाई जनक की बेटी, हरा धनुष लोहे आज उस धनुष को कोई जब नहीं हिला पाया, महारानी सुनैना राजा जनक जी के चरणों को पकड़ लिया, रोने लगी बोली प्यार क्या होगा, शिव का धनुष पुराना हमारे पिया टूटेगा नहीं जाना, हमार पिया नहीं जाना हमार पिया।
दीप के भूपति आए, दीप दीप के भूपति आए, दीप दीप के भूपति आए, एक से एक बलवाना सके नहीं हिलाना हमार पिया, टूटे गा नहीं जाना हमार पिया, शिव का धनुष पुराना हमार पिया, टूटे गा नहीं जाना हमार पिया, टूटे दसाए जनक मन सोचे, देख दसाए जनक मन सोचे, देख दसाए जनक मन सोच, नाह कयस प्रठाना हमार पिया, जा नहीं जाना हमार पिया, क्यों का जा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, शिव का धनुष निराश, देख के मुनिवर राम जी से धनुष तोड़ाना, राम जी से धनुष तोड़ाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, शिव का धनुष तोड़ाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं सुख विदेह कर वर्ण जाई, जन्म दलित्र मनोह निधि पाई। लोगों ने धनुष से पूछा, इतना आसानी से आप क्यों टूट गए, कारण बताओ, तुम इतने तगड़े तंदुरुस्त सुकुट से अलग हुई गए और तुम्हारी प्रत्वंचा इतनी दुबली पतली, टूटना तो उसको चाहिए था, वो नहीं टूटी, तुम क्यों टूट गए। धनुष अपनी गलतियों पर पश्चाताप करता है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए सब चर्चा आप अगली मीटिंग में सुनेंगे। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गयो पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गयो पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर।
जब यम दूत लेन को आमे नेक धरे ना दे जब यम दूत लेन को आवे नेक धरे ना दे जब यम दूत लेन को आवे नेक धरे ना दे मारे मारी के प्राण निकाले बहय नयन जल नीर हंसा निकल गए पिंजरे खाली पड़े रहे तसरे पर हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़े रहे तसरे पर हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़े रहे तसरे खाली पड़ी रही तस्वीर खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गए पिंजरे खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गया पिंजरे से खाली पड़ी बहुत मनायो देवी देवता बहुत मनायो बहुत मनायो देवी देवता बहुत मनायो बहुत मनायो देवी देवता बहुत मनायो अंत समय को काम नयावे जाना पड़े अखीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर पड़ी रही तसरी खाली पड़ी रही तसरी हंसा निकल गयो पिंजरे खाली पड़ी रही तसरी हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रही तसरी हंसा निकल गयो पिंजरे खाली पड़ी रही तसरी कोई रोवे कोई तन नहीं लावे कोई उड़ावे जी कोई रोवे कोई तन नहीं लावे कोई उड़ावे जी कोई रोवे कोई तन नहीं लावे कोई उड़ावे हंसा निकल गए पिंजरे खाली पड़ी रही तस्वीर हंसा निकल गयो पिंजरे से खाली पड़ी रही तस्वीर बागी कर्म के कोई न जाने संग चले न शरीर भाग कर्म के कोई न जाने संग चले न शरीर भाग कर्म के कोई न जाने संग चले न शरीर जा जंगल में चिता चढ़ाई जा जंगल
दशरे हंसान कल गयो पिंजरे खाली पड़े रहे दशरे हंसान कल गयो पिंजरे खाली पड़े रहे दशरे पड़ी रहे दशरे खाली पड़ी रहे दशरे हंसान कल गयो पिंजरे से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब भाई बहन अपने अपने यथा स्थान पर खड़े होकर सखी आरते करूं रस प्रेम भरी सखी आरती करूं रस प्रेम भरी 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 सखी रस प्रेम भरे सखी आरती करू रस प्रेम भरे आरती करू रस प्रेम भरे गणपति की करू शंकर की करू गणपति की करू शंकर की करू गणपति की करो शंकर की करो गौरा रानी की करूं रस प्रेम भरे गौरा रानी की करो रस प्रेम भरे सखी आरती करो रस प्रेम भरे ब्रह्मा की विष्णु की करूं ब्रह्मा की करो विष्णु की करो ब्रह्मा की करो विष्णु की करो लक्ष्मी की करूं रस प्रेम भरे लक्ष्मी की करो रस प्रेम भरे प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी रस प्रेम भरी सखी आरती करू रस प्रेम भरी सखी आरती करू रस प्रेम भरी श्री कृष्ण की करू बलदाऊ की करूं श्री प्रेम की करूं बलदाऊ की करो श्री प्रेम की करो बलदाऊ की करो राधा मैया की करूं रस प्रेम भरे राधा मैया की करूं प्रेम भरी सखी
रस प्रेम भरे मानस की करो रस प्रेम भरे जय नगर बस्ती की जय